......... According to the document in chapter ¨The Monastery of St. Joseph', leaving last wish at the camp of theWaiter this man-made was killed at the camp आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि द फेमस हॉरर मूवी मेकर रामसे ब्रदर्स के बैनर में जो कलाकार लोग काम किए हैं उन सारे कलाकारों को एज ए पर्सन रामसे ब्रदर्स कैसे थे और उनके बैनर में काम करने का एक्सपीरियंस उन्हें कैसा रहा इसके बारे में पुराना मंदिर फिल्म के सामरी अनिरुद्ध अग्रवाल एक इंटरव्यू में बताए थे कि वो बेशक लंबा तो है ही उनके हाइट तो है ही लेकिन ये जो अफवाह फैलता है कि अनिरुद्ध अग्रवाल सात फीट ऊंचाई के है ये सही नहीं है उनके हाइट सिक्स फीट फोर इंचेस है ये तो रामसे ब्रदर्स के सबसे टेक्निकल साउंड जो भाई थे गंगू राम से उनके नॉलेज और हाथों का कमाल है जो कैमरा संभालते थे और उनके लगभग छ फीट चार इंच हाइट को कैमरे पे उन्होंने सात फुट जैसा बना दिया अनिरुद्ध का यह भी कहना था कि जब मैंने पुराना मंदिर के लिए ऑडिशन देने गया था उस समय राम से भाई लोग हमें देखते ही पसंद कर लिए थे उन लोगों का कहना यह था अरे इसका चेहरा तो इतना भयानक है इतना यूनिक है इसे तो मेकअप करवाने का कोई जरूरत ही नहीं है श्याम राम से ने अनिरुद्ध अग्रवाल के बारे में बोले थे कि अनिरुद्ध का चेहरा एकदम यूनिक था अगर वो सड़क पे निकलता तो सबके नजर उनपे पड़ने ही वाला था हम लोगों के मूवी के लिए अनिरुद्ध का फेस और चेहरा एकदम परफेक्ट था तुलसी राम से जी ने एक इंटरव्यू में बोले थे कि ऑडिशन के लिए हम लोग कोई अलग सा क्राइटेरिया नहीं रखते थे हम लोग थोड़ा स्मार्ट एंड हैंडसम बॉय और ऐसे खोजते थे और ऐसे गर्ल्स के तलाश करते थे जो खूबसूरत होने के साथ साथ थोड़ा लुक उनका सेक्सी हो हम लोगों का ऑडिशन में भारत के कोने कोने से अज्ञात बॉयज एंड गर्ल्स आता था हम लोग उन लोगों के लिए कभी कुछ खास किए ही नहीं ज्यादा खर्चा उन लोगों पे हमें करना ही नहीं पड़ा वो लोग अपने ड्रेस पहन के ही आते थे और वही ड्रेस से हम लोग उन लोगों का ऑडिशन ले लेते थे और कभी कभार जरूरत के हिसाब से हम लोग उन्हें ड्रेस प्रोवाइड करते थे ऐसे ही करके हम लोग अपना पहला मूवी दो गज जमीन के नीचे के लिए सुरिंदर कुमार को हीरो के हिसाब में सिलेक्ट किए थे सुरिंदर कुमार हरियाणा से आए थे और वो उस समय बेहद स्मार्ट और हैंडसम थे उनका बातचीत करने का स्टाइल भी बहुत इंप्रेसिव था लेकिन सुरिंदर के साथ हम लोगों का सफर सिर्फ एक नन्ही मुन्ही लड़की थी और दो गज जमीन तक ही सीमित रहा उसके बाद सुरिंदर अपने राह पर चल पड़ा और हम लोग अपने राह पे राम से भाई लोग लोकेशन के सिलेक्शन में फिल्म के म्यूजिक में और मेकअप के बारे में बहुत ही कॉन्स बहुत ही सजाग रहते थे और ये सब क्षेत्र में वो लोग अपने फिल्मों के बजट के एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्चा करते थे हीरो हीरोइन लोगों के लिए वो लोग ज्यादा खर्चा करने में इंटरेस्टेड नहीं थे रामसे ब्रदर्स ऐसे ही बॉयज एंड गर्ल्स को लाइक करते थे जो लोग हिंदी फिल्मों में एक ब्रेक पाने के लिए उतावले हैं तुलसी राम से और भी बोले थे कि ऐसा बात नहीं है कि हम लोग बड़े स्टारों को लेके काम करने पे इंटरेस्टेड नहीं थे हम लोग उस समाने के सारे बिग स्टार के साथ काम करने के लिए राजी थे लेकिन अपने कंडीशन पे अपने शर्तों पर रामसे ब्रदर्स के गोल्डन पीरियड में हम लोग दिलीप कुमार देवानंद सुनील दत्त और राजेश खन्ना के साथ बातचीत करने का कोशिश किए थे हम लोगों का व्यू पॉइंट ऐसा ही था कि चलो एक बार इन लोगों से बातचीत करके तो देखते हैं लेकिन उन दिनों ये सब बड़े स्टार कोई भी हॉरर फिल्म में काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे बजट के साथ साथ हम लोग एट ए स्ट्रेच महाबालेश्वर जैसे जगह पे कॉन्टिन्यूअस फोर्टी टू फिफ्टी डेज के शेड्यूल मांगते थे ये हम लोगों का जरूरत था जो उन दिनों ये सब बड़े सुपरस्टार के पास निकालने में बहुत ही मुश्किल की बात थी जो भी हो हम लोग अपना पूरा यूनिट और कलाकारों को लेके बहुत ही खुश मिजाज से एक पिकनिक के मोड में पूरे फिल्मों के शूटिंग करते थे हीरो हीरोइन लोग सुबह हम लोगों के साथ ही चाय पीते थे किसी को लेके कोई ईगो प्रॉब्लम हम लोगों को हैंडल करना नहीं पड़ा पूरा शूटिंग के समय हम लोग एक बड़े परिवार या बिग फैमिली के जैसे ही यूनाइटेड रहते थे राम से बैनर्स में काम किए हैं ऐसे बहुत ही नामी और नामचीन कलाकार ऐसे बोले हैं कि कलाकारों के पेमेंट या मेहनताना के बारे में राम से भाई लोगों का जो अप्रोच था जो इमेज था वो बहुत ही स्वच्छ और ट्रांसपेरेंट था वो लोग शुरू में ही ये बोल देते थे कि वो लोग ज्यादा बहुत कुछ पेमेंट एफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लोगों का फिल्म का बजट कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन जो रुपया पेमेंट करने का कमिटमेंट या वादा वो लोग कलाकारों से करते थे वो एकदम समय पे पेमेंट कर देते थे पेमेंट के मामले में रामसे भाई लोग बहुत ही परफेक्ट होते थे अनिरुद्ध अग्रवाल के बयान के हिसाब से रामसे के बैनर में काम करने में शायद पैसा थोड़ा कम मिलता था लेकिन शूटिंग का जो एटमोस्फेयर था जो परिवेश था जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा होता था और हम लोगों को एक आनंददायक परिवेश में काम करने को मिलता था हर कलाकारों को खा, खाना पीना रहना और सारे सुविधे असुविधा के बारे में राम से भाई लोग बहुत ही केयरफुल और जतनशील रहते थे आरती गुप्ता राम से बैनर के पुराना मंदिर तहखाना और सामरी के फिल्म में हीरोइन के भूमिका में नजर आए और यही फिल्में उनके पहचान भी बन गई आज भी फिल्म लवर सिनेमा प्रेमी आरती गुप्ता को यही फिल्मों के लिए ही याद रखे हैं। एक समय आरती गुप्ता फिल्म लाइन में प्रतिष्ठा पाने के लिए कड़े संघर्ष कर रहे थे 1977 में नासिर हुसैन साहब के बिग बजट के फिल्म हम किसी से कम नहीं मूवी में एक डांसर के छोटे से भूमिका में आरती गुप्ता नजर आए थे ऐसे ही कुछ छोटे मोटे काम करने के बावजूद वो जो चाहते थे वो उन्हें हासिल नहीं हो रहा था वही वक्त राम से भाई लोगों का नजर उन पे पड़ी आरती गुप्ता बहुत छोटे ही उम्र में 40 के दशक के माचो मैन एक्टर सुरेंद्र नाथ के लड़का कैलाश सुरेंद्र नाथ से शादी कर लिए थे उन समय आरती मॉडलिंग करते थे और मॉडलिंग के बाद का पढ़ाव या नेक्स्ट स्टेप के हिसाब से फिल्मों में एज ए आदर्श मान के चल रहे थे उन समय राम से भाई लोगों के साथ उनका मुलाकात हुआ पुराना मंदिर फिल्म में अजीत सिंह के कंपोज किया हुआ और आशा भोसले जी का गाया हुआ एक गाना वो बीते दिन याद है वो पल छिन याद है गुजारे तेरे संग जो लगा के तुझे अंग जो ये मेलोडी सुनकर आरती बहुत ही मुग्ध हो गए बहुत ही इंप्रेस हो गए और जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये असाधारण मेलोडी इस फिल्म में दो बार पिक्चराइज किया जाएगा और दो बार ही इस गाने के पिक्चराइजेशन में हीरोइन का मौजूदगी रहेगा तब वो पुराना मंदिर में काम करने के लिए राजी हो गए आरती गुप्ता के बयान के मुताबिक राम से भाई लोग उनके देखे उनके कैरियर के सबसे जेंटलमैन कुछ लोगों में से थे दूसरे तरह ऐसे भी कुछ एक्टर है जो लोग अपने कैरियर आगे ना बढ़ने का कारण राम से बैनर के फिल्मों में काम करने को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। हेमंत बिरजे ऐसे ही एक कलाकार है राम से ब्रदर्स द्वारा निर्मित तहखाना हेमंत बिरजे के दूसरा मूवी थी और राम से बैनर के वीराना था हेमंत बिरजे का आठवां मूवी दोनों फिल्म ही कमर्शियली सक्सेस था कामयाब हुआ था लेकिन हेमंत बिरजे के बयान था कि रामसे ब्रदर्स के हॉरर फिल्म में काम करने के लिए ही उन्हें कोई बड़े बैनर से या बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कुछ खास बुलावा नहीं आया उन्हें ब्रेक नहीं मिला लेकिन हेमंत बिरजे शायद ये भूल गए हैं कि उनके पहले फिल्म टार्जन के अलावा अगर फिल्म लवर्स या दर्शक उन्हें याद रखे हैं तो वो दो फिल्म का नाम है वीराना और तहखाना मंदिर फिल्म के हीरो मनीष बहल जो मशहूर एक्ट्रेस नूतन जी के बेटे हैं उन्होंने बोले थे कि पुराना मंदिर कामयाब हुआ था लेकिन उस कामयाबी से उनका करियर का कुछ खास फायदा नहीं हुआ लेकिन राम से भाई लोगों का बिहेवियर उनके बर्ताव और मेहमान नवाजी का प्रशंसा मनीष जीओ खुल के किए हैं मनीष बहल एक इंटरव्यू में बताए कि पुराना मंदिर मेरे करियर के लिए कुछ ज्यादा फायदेमंद तो साबित नहीं हुआ लेकिन इस फिल्म में एक्टिंग करना मेरे करियर का एक खास तजुर्बा बन के रह गया है पुराना मंदिर में काम करना मेरे लिए एक खास एक्सपीरियंस था बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था राम से ब्रदर्स बहुत ही जेंटल थे और बहुत ही भले आदमी थे वो लोग वो लोग बहुत अच्छे तरह से जानते थे कि वो लोग ठीक क्या करने जा रहे हैं और अपने दायरे में वो लोग थे मास्टर अगर वो आज भी हमें बुलाते हैं उन लोगों को फिल्में में एक काम करने के लिए तो मैं राजी हूं और कोई भी शर्त पे मैं राम से बैनर में काम करने के लिए तैयार हूं हम सिनेमा प्रेमी खास करके हॉरर फिल्म लवर्स यही उम्मीद लगाएंगे के शाशा राम से दीपक राम से जैसे राम से जेनरेशन नेक्स्ट राम से ब्रदर्स के जो लिगेसी वो और भी आगे लेके जाएंगे और हम लोगों को और बेहतरीन जबरदस्त हॉरर मूवी तोहफे में देंगे